कल्पना कीजिए आज से तकरीबन 80 साल पहले का पूर्वोत्तर भारत। शिलोंग छोटा सा शहर था। अरुणाचल प्रदेश को तब नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी कहा जाता था। इन इलाकों में पढ़ाई लिखाई की बातें तो दूर, प्रशासन की पहुंच भी ना के बराबर थी। उस दौर में सिल्वरिन स्वेयर ने जो काम उस इलाके में किया वो बेमिसाल है। यू नो शी हैज डन मेनी थिंग्स दैट आर अ फर्स्ट फॉर अ खासी लेडी। कभी कभी किसी को मिलते हैं तो उनका इफेक्ट जो होता है वो भूला नहीं जाता है। शी इज अ वुमन ऑफ सब्सटेंस। हर वर्क वेदर इन द एकेडमिक फील्ड इन द सोशल लाइफ शी इज अ अनसंग हीरो सो टू से। भारत के पूर्वोत्तर राज्य मेघालय की सिल्वरिन स्वेयर अनुसूचित जनजाति खासी से आती थीं। सिल्वरिन स्वेयर कोलकाता के स्कॉटिश चर्च कॉलेज में पढ़ाई पूरी करने के बाद शिलोंग आकर वेल्स मिशन गर्ल्स हाई स्कूल में पढ़ाने लगी और आगे चलकर गर्ल गाइड्स मूवमेंट से बतौर ट्रेनर जुड़ी। यहीं से युवा लड़कियों को शिक्षा, प्रशिक्षण और गर्ल गाइड्स के जरिए नई राह दिखाने में जुटी। मेघालय में भारत स्काउट एंड गाइड्स की नींव रखने में उनकी अहम भूमिका मानी जाती है। She got the chance to start this girl guiding in that very school, Wells Mission School, and she had very much dedicated in the fundamental of scouting and guiding. First of all, it was from Assam time she joined with them. She became the best trainer of the northeastern region and then of the whole of India. Girl guiding teach the young people about education for life, and it teaches them to select their career and to be more practical in their life, so to say the way of life. She never stopped working from one place to another, even to the remote area when she has to work on foot also. She used to go. She is really the stalwart of the movement, and she has introduced this Bharat Scouts and Guides in Meghalaya. सिल्वरिन स्वेयर जब टीचिंग और गाइड्स मूवमेंट से जुड़ी उस वक्त दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। भारत के उत्तर पूर्व इलाके में विश्व युद्ध के गहरे बादल मंडरा रहे थे। दूसरी तरफ भारत में स्वतंत्रता आंदोलन अपने आखिरी दौर में था। उत्तर पूर्व भी उससे अछूता नहीं था। इस माहौल में सिल्वरिन स्वेयर को एक नई जिम्मेदारी सौंपी गई। एजुकेशन में इतना उनका ऑर्गेनाइजिंग कैपेबिलिटी इतनी थी, तब तक 1947 तक तो ब्रिटिश थे यहाँ पे, नॉर्थ ईस्ट में भी, असम गवर्नमेंट में भी। उन लोगों ने देखा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पूरा नॉर्थ ईस्ट का जो राशनिंग था, ये PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है, कुछ नहीं था। और उनने ये कहा कि ये इतनी ऑनेस्ट पर्सन है और हर ऑर्गेनाइजिंग कैपेसिटी इतनी अच्छी है कि उनको ये असिस्टेंट कंट्रोलर ऑफ रेशनिंग या कंट्रोलर ऑफ रेशनिंग ऐसे कुछ डेजिग्नेशन था कि उनको ये पोजीशन दिया गया था। पूरे आसाम में और नीफा में राशनिंग इंट्रोड्यूस करना अमंगस्ट द लोकल ट्राइबल पीपल एंड आल्सो ब्रिंगिंग इन पीपल फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। असिस्टेंट कंट्रोलर ऑफ रेशनिंग के तौर पर सिल्वरिन स्वेयर के काम को काफी सराहा गया और उन्हें इसके लिए कैसरे हिंद पुरस्कार से भी नवाजा गया। लेकिन ये कितना जद्दोजहद से भरा था वो उन्होंने दूरदर्शन शिलोंग को दिए गए एक इंटरव्यू में साझा किया। It was a very strenuous indeed because constantly you had to inspect the shops and you had to meet people coming into the office and endless crowds of them, and the public also came and made all kinds of queries about rationing and how they got, whether it's not enough or enough, or all sorts of questions. In 1947, I had to go to the hospital for a nervous breakdown almost. In my life, I have never saw a hospital before as a patient. And so you can imagine the onus of a person who works as a controller for all these things. इसके बाद उनका सामना NK रुस्तम जी से हुआ। वे नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी यानी नेफा के लिए असम गवर्नर के सलाहकार थे। उस समय अरुणाचल प्रदेश को नेफा कहा जाता था। सिल्वरिन स्वेयर को नेफा स्थित पासीघाट ऑफिस में चीफ सोशल एजुकेशन ऑफिसर का पद दिया गया। ये काफी चुनौतीपूर्ण था लेकिन उन्होंने इसे भी स्वीकार किया। She was a teacher and then she joined the NEFA and now Arunachal Pradesh. She was the one to start the teachers training institute there.
when today we talk about skill development and all, at that time, she taught the people income generation through agriculture, arts and craft, and so on. So she was highly appreciated for that in Arunachal Pradesh. At that point of time, to go to Arunachal Pradesh and walk also is a great, I don't know how, even today we fear to go that side, you know. You know, going through a journey full of dense forest, jungles and, you know, wild animals. And she carried on. Silverin Swear युद्ध और हथियार के खात्मे के लिए चल रही इंटरनेशनल स्पिरिचुअल मूवमेंट से भी जुड़ी और यहाँ से उन्होंने एक सुंदर आजाद दुनिया के लिए काम शुरू किया, घृणा, डर और लालच से मुक्त समाज। हालांकि मेघालय का समाज मात्र सत्तात्मक माना जाता है, लेकिन राजनीति में पुरुषों का वर्चस्व रहा है, उसे तोड़ना उनका एक मकसद था। सिल्वरिन स्वेयर मानती थी कि महिलाओं को फैसले लेने वाले हर पद पर होना चाहिए। उन्होंने मेघालय को राज्य का दर्जा मिलने के बाद निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव भी लड़ा, लेकिन वो चुनाव नहीं जीत पाईं। लेकिन वे खासी जाति में कई मुकाम पाने वाली पहली महिला जरूर कही जा सकती हैं। She has done many things that are a first for a Khasi lady. She's the first Padma Shri winner from Meghalaya. Even for an executive post under the government, she was the first one to hold an executive post. That was in the 40s, pre-independence, for which she won an award also, the Kesari Hind Medal from the British government. Beyond being an educationer, beyond all these posts that she was holding, she always wanted to do more for the community. People still remember her vividly. अपने 103 वर्ष तक सिल्वरिन काफी सक्रिय रहीं। जानकार बताते हैं कि उनके दरवाजे हर तरह की मदद के लिए हमेशा खुले रहते थे। खासी समाज में उन्होंने महिलाओं को नई चेतना दी, युद्ध से आहत समाज को जोड़ने के लिए आवाज बुलंद की, लड़कियों को गाइड्स मूवमेंट से जोड़कर सामाजिक भागीदारी दी, नेतृत्व करना सिखाया, लोगों को स्वास्थ्य और साफ सफाई को लेकर जागरूक किया, और इसीलिए उनके समाज के लोग उन्हें कॉन्ग सिल यानी बड़ी दीदी कहते हैं।